राजेंद्र नगर टर्मिनल पे गए थे केवल एनटीपीसी वाले, एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल मेन विवाद यही था, ये इंटर के लगभग 10-20 गुना कहा गया था रिजल्ट देने के लिए, जो सीनियर है वो हमेशा फायदे में रहेगा। लड़कों का ऐतराज है कि उसका कट ऑफ कम, हमारा कट ऑफ ज्यादा, सिंगल एग्जाम लेकर उसको चार चार पोस्ट के लिए बुलाया गया, मामला आरआरबी ने बढ़ा दिया। लड़के एनटीपीसी वाले नाराज थे, हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था, 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे, उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट हो, हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर, ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। एक हफ्ते से हमारे चैनल पे बैन है, आप वीडियो नहीं डाल सकते, तो इसमें हम कहां है, एक ही सपना देखे थे फौज में जाना है, आप हनुमान तो है नहीं जो सीना चीर के राम दिखा देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और मैं पहुंच गया हूं मुसल्लहपुर हाट के बेहद मशहूर शख्स के पास जिनका नाम है खान सर। आपको गजब लग रहा होगा, खान सर किसी का नाम हो सकता है क्या, लेकिन खान सर के नाम से ही ये मशहूर है और इन दिनों विवादों में आ गए एक बार फिर से। पहला विवाद था कि खान सर का असली नाम क्या है, उस विवाद पर तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जिन विवादों में घिरे हैं, आखिर खान सर पर क्यों इस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर के जितने छात्र पटना स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आ गए थे राजेंद्र नगर या फिर सड़कों पर आ गए थे, उसके पीछे इनका हाथ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और विवाद में है। हम खान सर से बात करने से पहले इनका स्टूडियो दिखा दें, ये बिल्कुल हाईटेक स्टूडियो है और इस स्टूडियो में ये यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं लोगों से और जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और ये बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और इसके साथ में सामने में एक कैमरा लगा हुआ है और कैमरे पर सारा कुछ रिकॉर्ड होते रहता है, साथ ही ऑनलाइन ये लोगों का कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं जो सामने रहता है और फिर लोगों से बात करते हैं। हम खान सर से बात करेंगे कि खान सर कैसे, किस विषय पर, चाहे वो कोई भी विषय हो, उस पर बोलने के लिए मशहूर हैं। आप नाम लीजिए, चींटी से लेकर हाथी तक सब कुछ के बारे में इनके पास जानकारी होती है और लाखों लाख लोग इनके YouTube चैनल को पसंद करते हैं। खान सर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, ये जो आरआरबी के एग्जाम्स हुए हैं एनटीपीसी को खासतौर से लेकर के, इस पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा है कि जो पिछले 24 तारीख से लेकर के जो भी हंगामा हो रहा है पूरे बिहार में, पूरे देश में, उसके पीछे आप हैं, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, इसके पीछे हम क्यों हो सकते हैं, ये तो मीडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट एजुकेशन सेक्टर में जब कुछ होता है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले खान सर दिख जाते हैं। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो हम आपको एक डाटा बताते हैं, 24 जनवरी 2022 लड़कों ने, मतलब जो लड़के थे वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे गए थे केवल एनटीपीसी वाले लड़के गए थे यहाँ पर। ये लड़के बहुत कम थे, इनका कहना था कि हमारी मांग को सुना जाए और ये साथ में मोबाइल में रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी वेट कर रहे थे कि शायद इनकी बात सुन लिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि आप आसान शब्दों में लोगों से बात करते हैं, तो ये आरआरबी एनटीपीसी क्या है और ये विवाद कैसे शुरू हुआ, उसके बाद फिर हम आएंगे कि आखिर इस पर क्यों लड़कों ने एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया। देखिए एनटीपीसी का विवाद का कहेंगे ना, तो उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया, उसने एक एग्जाम लिया जिसमें ग्रेजुएशन के लड़कों को और प्लस इंटरमीडिएट के लड़कों को एक साथ बैठा दिया और एक सिंगल क्वेश्चन पेपर दे दिया कि आप सॉल्व कीजिए, अब ये बताइए कि इसमें कौन आगे निकलेगा, ग्रेजुएशन वाले, और इनका कट ऑफ दिया है 82 नंबर और इनका कट ऑफ दिया है 90 में 96 नंबर, कहीं कहीं बोर्ड में 93 है, अब ये बताइए कि ऑलरेडी ग्रेजुएशन वाला भारी पड़ेगा और उसका कट ऑफ दे रहे हैं 82 नंबर और उसका 100 में 96 दे रहे हैं, 100 में 100 दे देते हैं वहां पर, एक इनके साथ ना इंसाफी हो गया यहाँ पर। दूसरी गलती क्या हुई, ग्रेजुएशन के लड़कों को एक सीट तो इसलिए रिजर्व कर दिया गया कि आप ग्रेजुएट हैं और एक सीट उनको इस हिसाब से भी रिजर्व रखा गया क्योंकि आप क्या हैं, इंटरमीडिएट के हैं। मेन विवाद यही था, ये इंटर के लगभग 10-20 गुना कहा गया था रिजल्ट देने के लिए, बट 20 गुना रिजल्ट हो नहीं पाया था, तो लड़कों का कहना है कि हमें 20। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेजुएशन और इंटर दोनों के छात्रों के लिए एक ही एग्जाम बना दिया, मतलब ऐसा हुआ जैसे कि यूपीएससी और बीपीएससी या एसएससी, ये तीनों को एक साथ मिला दीजिए और एग्जाम कर दीजिए, ऐसा है? ऐसा ही है, समझिए लगभग उसी टाइप का, तो जो सीनियर है वो हमेशा फायदे में रहेगा। लड़कों का यहाँ से भी कोई ऐतराज नहीं है, लड़कों का ऐतराज है कि उसका कट ऑफ कम, हमारा कट ऑफ ज्यादा, दूसरा कि उसको सिंगल एग्जाम लेकर उसको चार चार पोस्ट
के लिए बुलाया गया कि आप इस कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसमें लड़कों को ज्यादा आकर्षण लगता है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, कई सारे जॉब हैं इसमें, लगभग 7 कैटेगरी लेवल्स हैं इसमें, कई सारे जॉब हैं इसमें। तो एक स्टेशन मास्टर बनने के लिए लड़कों में काफी दिलचस्पी होती है कि स्टेशन मास्टर बन जाए, नाम हो जाएगा और लोग जानेंगे, जो बचपन से लोगों की यादें रहती है ट्रेन से। देखिए, गरीब लड़के जो पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के रहते हैं जो मजदूरी करते हैं फिर पढ़ने आते हैं। दो भाई रहे हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे भी लड़के हैं, दो भाई हैं, क्या करेगा, एक हफ्ता वो मजदूरी करेगा और एक हफ्ता ये क्लास करेगा, फिर अगले हफ्ते वो मजदूरी करेगा, ये क्लास करेगा। इस तरह के लड़के पढ़ते हैं, उनको अगर स्टेशन मास्टर बना दिया जाएगा तो उनका जीवन सुधर जाएगा, तो वो इसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। ये बहुत छोटा सा मामला था, मामला आरआरबी ने बढ़ा दिया। लड़के एनटीपीसी वाले नाराज थे कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ है और वो 24 जनवरी को ट्रेन पे चले गए। हम किसी टीचर को बताए भी नहीं, क्योंकि टीचर लोग उसको 2019 से रोक के रखे थे, 2022 तक कोई टीचर को। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी इसके लिए, चेंज करने के लिए, जो आरआरबी का पैटर्न है या जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर के। मिलियंस व्यूज आते थे, मिलियंस लाइक्स आते थे और समर्थन भी मिलता था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था, 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे, उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान, एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के। देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे, आप झूठ बोलकर कितना दिन आगे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो 8 मिलियन गया, ये भी सोचिए। लेकिन उसके बाद हमारे चैनल पे यूट्यूब ने वीडियोज डिलीट कर दिए, एक हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई, हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पर। लेकिन 24 तारीख को आप बता रहे थे कि दोपहर में बच्चे पहुंचे, तो एनटीपीसी पर यहां बवाल नहीं है, मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन को भी नहीं पता चल पा रहा है। मेन कारण क्या, ये रेलवे के लड़के आरआरबी के साइट पर देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी, ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, इनका एक सिंगल एग्जाम होता है, अचानक दोपहर को 3 बजे जो लड़के एनटीपीसी का अपने हक के लिए सुन रहे थे, वो आरआरबी की साइट खोले थे कि शायद मेरे लिए कुछ बात आएगी, उनकी बात आई नहीं। ये 1.5 करोड़ लड़कों को आरआरबी कर रहा है तुमसे हम मेंस का एग्जाम लेंगे, तो मेन बवाल ये 1.5 करोड़ लड़कों का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि इनको अभी ग्रेविटी वाले इस प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, केवल एनटीपीसी वाले कर रहे थे, ये घर पे बच्चे आग सेक रहे थे, ठंड में आग सेक रहे थे, और ये मीडिया को देख रहे थे कि हाँ एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है, एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है। जैसे रिपोर्ट आया कि आरआरबी इनसे कह रहा है कि मेंस एग्जाम लेंगे, वो जो घर में बैठे थे वो मीडिया को देख के चले आए स्टेशन पे। वरना खुद सोचिए कि 2 दिन में कौन सा चल रहा है, 2 दिन से हम तो अपने किसी भी, मेरे ऑफिशियल ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे तो हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उस पे देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है। मीडिया को भी समझ में नहीं आ रहा है, एक मेरा 2 साल पुलवामा जब हमला हुआ था तो उस समय का जो प्रोटेस्ट था उसको रेलवे से जोड़ के देख रहा है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना सबको। तो आप पर सीधे तौर पर तो इल्जाम नहीं लगा, जो पटना के डीएम कह रहे थे कि कोचिंग संस्थान वाले इसके पीछे हैं, और जाहिर है कि सबसे ज्यादा नाम आपका है तो उंगली तो आप ही के ऊपर उठेगी। पटना इतने दिन से हैं, पटना को जानते हैं, और चंद्रशेखर जी जो यहाँ के डीएम है बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, मतलब क्या कह सकते हैं कि हमको तो नहीं, मतलब बहुत ही सुलझे हुए इंसान। उनका कहना है कि मामला रेलवे का है, रेलवे से समझो। रही बात एज एक डीएम, वहां हम, आप या कोई भी रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उनका यही कहना है कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है तो हम लोग के ऊपर क्यों हो रहा है, शांतिपूर्ण। उनका भी कहना कहीं से गलत नहीं है कि कहीं से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं कहीं से हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप भी बैठे थे। अच्छा, आप ये बताइए खान सर कि क्या आप इस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़के, इनके साथ हैं या नहीं? देखिए, प्रोटेस्ट करने के साथ हैं या नहीं का बात नहीं है, देखिए लड़के अपने हक की मांग कर रहे हैं। आप बताइए लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है, हम लोग 8 बार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और 6 मिलियन 10-10 मिलियन उस पर ट्वीट हुआ है। यहाँ 5,000 ट्वीट होता है ना अगर कोई राजनीति के मैटर पे, तो उस पर मीडिया का बयान आ जाता है, बड़े बड़े चैनल्स का। तो 8-8 मिलियन ट्वीट को हटा दिया गया, हमारे वीडियो से चैनल हटा दिए गए, 1 हफ्ते से हमारे चैनल पे बैन है, आप वीडियो नहीं डाल सकते। तो इसमें हम कहाँ हैं, हम तो लड़कों को समझा रहे हैं। आज जयपुर में 26 जनवरी के प्रोटेस्ट था, हम रोक रहे हैं, जहानाबाद में रोक रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं आपके चैनल से कि जहानाबाद, आरा, बक्सर, जो गया में है, ये लोग अब
26 जनवरी को कुछ नहीं करें, हम रोक रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा हम कितने आंदोलन को हम रोक रहे हैं कि भाई ये मत करो अभी 26 जनवरी को, हिंसा कहीं से मत करो। अच्छा, अब तो परीक्षा रद्द कर दी गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, आरआरबी की तरफ से, ये सब आए हैं, तो आपको लग रहा है कि अब कुछ है आसार नजर आ रहे हैं ग्रुप डी वालों के लिए भी या फिर एनटीपीसी वालों के लिए भी, फॉर्मूला निकल पाएगा? बता देते हैं मेनली इसमें क्या है कि 5 मेंबर्स की टीम बनाई गई है जिसमें आरआरबी चेन्नई और भोपाल को रखा गया है, बाकी कुछ मतलब चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, बोर्ड वगैरह के कुछ लोग हैं, 5 मेंबर हैं। इसमें 2 अच्छी बात ये कही गई है कि सारे आरआरबी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है उन लोगों को मार्च में, वो लोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है 4 मार्च को, और सारे स्टूडेंट से सुझाव मांगा गया है 16 फरवरी तक, तो स्टूडेंट से भी सुझाव मांगा गया, आरआरबी से भी सुझाव मांगा गया, 5 कमेटी भी बना दी गई। अब इसमें क्या है कि जो सफल विद्यार्थी हैं जो असफल है दोनों की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री की दखलंदाजी के बाद इसको ऐसा लिया गया, तो प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद देते हैं कि आपने बच्चों को सुना, और आरआरबी से भी उम्मीद करते हैं कि ये हो जाएगा। 5 मिनट का काम था, आरआरबी अगर बच्चों से बात भी कर लेती तो नहीं होता, नहीं बात भी करता। हम आरआरबी चीफ से मिलने गए थे, आरआरबी पटना, आरआरबी मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार में 2 ही आरआरबी हैं, हम दोनों से मिले, 3 घंटा मीटिंग हुई थी, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मीटिंग किए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसमें अचानक चेंजिंग 2022 में कर दिया। हमने बच्चों को समझाया था कि आरआरबी का कहना है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे शांत थे, तो झूठे साबित हो गए एक तरह से, आपको मीटिंग जो है आपके लिए गलत हो गया, तो वही गलत हो गया, तो उन लोग को लगा कि खान सर भी से भी ये लोग ने झूठ बोला। हम लोग आंदोलन को रोके हुए थे, कोई टीचर आंदोलन में नहीं गया, आप बताइए हम वहां गए हैं, मेरा एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए, लेकिन हम लड़कों को अभी भी कहते हैं कि कोई लड़का हिंसा नहीं करे। अच्छा ये बताइए, एक सवाल है जो काफी दिनों से चल रहा था, और वो ये कि खान सर आखिर हैं कौन, खान सर की असलियत क्या है, खान सर क्या खान सर स्कूल से ही हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ाई की, और इतने ही कम समय में आप इतना फेमस हो गए, इसके पीछे क्या राज है, क्या संघर्ष है? देखिए हमारा कोशिश यही रहता है कि जो बच्चों को, जो गरीब बच्चे, हमारा मेन उद्देश्य रहता है गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा हम 11 रुपये तक में भी बच्चों को पढ़ा दिए हैं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रात 12 बज जाता, हम यहीं सो जाते हैं, यहाँ पे ही सो जाते हैं, स्टूडियो में ही सो जाते हैं, कल हम यहीं पे सोए हुए थे, तो हम लोग हमारे लिए कोई ये मतलब मेन यही रहता है कि गरीब से गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा दें। आपका नाम क्या है, आप स्कूल में किस स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आज आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये एक तरह से रहस्य बना हुआ है। देखिए हम अपने विद्यार्थियों के लिए पहले बात, हमारे लिए सबसे जरूरी 2 चीजें होती हैं, अगर हम एक व्यक्ति के तौर पे देखें तो हम इस देश के लिए हैं, तो देश के लिए मेरी एक ही पहचान कि हम इस देश के नागरिक हैं, और हमारे प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे तो टीचर है, तो हमारे लिए सबसे जरूरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमें खान सर बुलाते हैं, हम उनके लिए टीचर हैं, डेट्स एनफ, बस। आप बताना नहीं चाहते? हम क्या करेंगे बता, आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे विद्यार्थी हमसे कभी ये सवाल नहीं पूछते, हमारे विद्यार्थी जो है वो खुश हैं इस चीज से, हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को पढ़ा सके, गरीब बच्चा हमारे यहाँ विद्यार्थी जो है उनको तकिया लगाने का पैसा खरीदने का नहीं रहता, तो हाथ मोड़ के इसे सो जाता है, उनके लिए हम खान सर हैं, बस यही हमारे लिए उद्देश्य है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको अब लड़का हमको क्या है कि हम जो बच्चे क्या है कि सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचरों को नॉलेज नहीं होता, नॉलेज भरपूर होता है उन सबको, बहुत से ऐसे देखिए हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत हाई फाई में पढ़े हैं। कहाँ के सरकारी स्कूल? हम लोग के सरकारी स्कूल के टीचर जो थे अश्वनी सर जो थे, एक बहुत बेहतरीन थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, डीएस सर थे, एक तो कई सारे ऐसे टीचर थे जो बहुत बेहतरीन पढ़ाए, तो बच्चों के पास स्टेमिना है, हम उन बच्चों को व्यवहारिक भाषा में समझा देते हैं, बच्चों को हाई फाई जो जगह था, जो प्राइवेट स्कूल जो महंगी फीस लेते थे, वो डिजिटली समझाते थे बोर्ड वगैरह पे, हमने ये पैसा लगाया, इसी चीज को लड़कों को 150-200 में दे दिए, आज जियो के डाटा से भी सस्ता एजुकेशन हो गया है, और एजुकेशन ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। आप एनसाइक्लोपीडिया जैसा आप हैं, ऐसा लगता है चाहे कोई भी विषय हो आप हर विषय पर आप बोलते हैं, आपके यूट्यूब चैनल को देख लें तो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, तमाम चीजों पर आप बात कर लेते हैं, तो ये आप तैयारी करके आते हैं या फिर आपको पूरी जानकारी है? देखिए सर हर चीजों की बात नहीं, आप भी ये बताइए क्या वो बात गलत बोलते हैं, आपको लगता है कि जो बताए हैं वो गलत है? ये नहीं ना, लड़कों को हमारा समझाना है, हम जितना भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा है कि हमको टीचर से ज्यादा अच्छा स्टूडेंट बताया है, तो हम कहीं भी टीचर को ये कहते हैं कि मतलब तुम स्टूडेंट के हिसाब से उसको समझाना चाहते हैं कि तुम अच्छे से समझ जाओ छोटे से छोटे चीजों को वहां पर,
अच्छे से समझाना चाहिए। रही बात आप कहते हैं कि तैयारी करनी पड़ती है, आप 3 घंटे के जो फिल्म देख के आते हैं ना उसकी 3 साल से तैयारी चल रही होती है, तो जो आप 1 घंटा का क्लास देखते हैं ना उसके पीछे कई रात इंसान को जगना पड़ता है। अच्छा, कुछ आपके व्यक्तिगत चीजों को जानना चाहूंगा, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चीज पसंद करते हैं, जैसे किसी को गाना, किसी को पेंटिंग, किसी को खाना पकाना, तो आपकी हॉबी क्या है? हम खाली टाइम पे अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो लड़कों को यही सोचते रहते हैं कि गांव का लड़का कैसे समझेगा, एक देहाती लड़का है लेमैन वो कैसे समझेगा, एक मजदूर मजदूरी करके आया दिन भर गिट्टी धो के आया उसको न्यूटन का नियम कैसे समझाएंगे, यही है, और हम समझा भी देते हैं। एक नियम बता दीजिए, समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। वो देखिए, कोई भी टॉपिक एजुकेशनल टॉपिक उसके कई एक स्टेप होते हैं, अचानक उसको कैसे आप कह सकते हैं 5 मिनट में, आप भी समझते हैं इस चीज को। एजुकेशन का जो खास टॉपिक होता है वो लड़के अच्छे से समझते हैं। आपके जीवन का कोई खास टर्निंग पॉइंट जिसने आपके जीवन को कह दिया कि यही बस अब यहाँ के बाद आप खान सर बन जाएंगे? हमारा कोशिश था NDA में जाने का, हमारा हाथ टेढ़ा है, चले गए बाहर। डिफेंस में कोई धांधली नहीं होती है, आप रिजेक्ट तो रिजेक्ट, वो यस या नो जानते हैं, बीच में कुछ नहीं, पास तो पास नहीं, फेल तो फेल, भगवान यहाँ से सब कुछ करने के बाद UPSC की एग्जाम लेती है NDA की, बहुत टफ होता है। क्लास इंटर का लड़का रहता, हम लोग की दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, एक ही सपना देखे थे फौज में जाना है, NCC में गए थे बंदूक चलाना एक नंबर जानते थे, बहुत सारा चीज को बढ़िया से जानते। आज भी आप मेरे YouTube पे देखेंगे तो डिफेंस की चीजें बहुत, वहां से रिजेक्ट होने के बाद ऐसे चीज में रिजेक्ट होइएगा कि हाथ अब सीधा कैसे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है ये यहाँ पर, अब ये तो कहीं सही नहीं हो सकता, तो मेरे सामने अब क्या हो गया, मजबूरी हो गई, तो हम फ्रस्ट्रेशन में रहने लगे। कुछ बच्चों को बताते थे तो उनको काफी अच्छा लगता था, उनको समझ में आ जाता था, तो एक कोचिंग वाले हमको बुला के ले गए, धीरे धीरे पढ़ाए, 6 लड़कों से 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हो गया, 1 लाख हो गया, पता ही नहीं चला हमको कैसे। आपकी कभी राजनीति में आने की दिलचस्पी, क्योंकि आप धीरे धीरे फेमस हो? मीडिया वाले एक क्वेश्चन हमेशा क्यों पूछते हैं राजनीति में आने की, क्योंकि राजनीति ही बिहार के लोगों का सपना होता है, बिहार UP अगर देख लें तो खाएंगे भले नहीं लेकिन राजनीति की बात जरूर करेंगे। ये हमको एक बात नहीं समझ में आता, आप मीडिया वाले ना एक कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम चिपका देते हैं, एकदम कैसे हमारे यहाँ एक फेमस है, कोई मेहमान आएगा उसको खिलाओ पिलाओ बाद में, लेकिन चाय के लिए जरूर पूछो। वैसे मीडिया वाले को सारा क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक बार पूछ देंगे राजनीति में जाना है कि नहीं। आपकी दिलचस्पी क्या है? हमारी दिलचस्पी पढ़ाने में, सिर्फ पढ़ाने आप में। कैसे बताएं हम, आप हनुमान तो है नहीं जो सीना चीर के राम दिखा देंगे। एक खान सर की खासियत, मैं इतने देर में जितनी देर बात कर रहा था तो आप गुलाब को गुलाब कहें या कुछ और कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुलाब का जो सुगंध है वो वही देगा और जो खुशबू है वही आएगी उससे। तो खान सर को चाहे इनका जो भी नाम हो, नहीं बताना चाहते हो, चाहे जहां के रहने वाले हो, लेकिन खान सर बहुत ही मशहूर हैं खास तौर से स्टूडेंट्स के बीच में और इनकी बातों का भी असर होता है। हमारे सहयोगी परमानंद और विशाल के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।